हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों ये अपना कोट का 7th पार्ट है। इसमें दोस्तों आपको कोट का कॉलर कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताएंगे। अगर दोस्तों किसी को कॉलर लगाने में दिक्कत होती है कोट में, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे। और दोस्तों मैंने एक यूनिक तरीका भी बताया है, इससे पहले वीडियो अपलोड किया है, आप स्क्रीन पर थंबनेल देख सकते हैं। इस वीडियो को मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी प्रेस करें और ऑल पे करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया था अपने आधा मीटर लट्ठे में कॉलर और सारा खर्चा कोट का निकल जाता है। तो दोस्तों ये लट्ठा उसमें से बचा हुआ है जब अपने ठाकुर द्वार कटिंग किया था उसमें से, ये आपने देखा होगा राउंड कटिंग किया था उसमें से। तो अब दोस्तों इस पे आपको जो सेंटर है कोट का उसको मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है, आले को अच्छे से इस तरह रखना है और इसके बाद में आप इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए कहाँ कहाँ से मार्किंग करनी है। दोस्तों इस वीडियो को देखने से आप कोट का कॉलर प्रॉपर लगाना सीख जाओगे, कटिंग चाहे किसी ने भी किया हो वो कोट, उसका कोट का कॉलर आप आसानी से लगा पाओगे। तो देख लीजिए इस तरह से आपको रखते हुए और यहाँ पे जहाँ पे मुड़ेगा इस तरह से एक निशान लगा लेना है और मार्जिन का भी लगा लेना है इस तरह से। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद में अपने जितना आप इस तरह क्रॉस करना चाहो, वी बनाना चाहो, नोक यानी कि, तो उतना आप नोक बना सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे इस तरह मेजरमेंट करना है, जैसे कि ये 1.5 इंच था तो यहाँ पे 1.25 इंच इस तरह निशान लगाना है। तो दोस्तों ये निशान लग जाने के बाद में आपको यहाँ से नीचे से 2.5 इंच ऊपर की ओर, यहाँ से 2.5 इंच इस तरह लगा लेना है। और दोस्तों शेप पट्टी से आपको यहाँ पे पहले इस तरह सीधा करना है और दोस्तों नीचे बिल्कुल सीधा करना है जो निशान आया है उसी पे। और दोस्तों ऊपर आपको शेप पट्टी को रखते हुए इस तरह से शेप करते हुए बैठा लेना है कॉलर जैसे अपना होता है। तो देख लीजिए आप, अगर आपको नहीं पता कोट का कॉलर कैसे होता है तो देख लीजिए, इस तरह से कोट का कॉलर का पैटर्न बन जाएगा और इसको यहाँ से इस तरह से राउंड कर लेना है आपको। तो दोस्तों देख सकते हो आप अच्छे से। दोस्तों किसी भाई ने मेरे पास एक फ़ोटो भेजा था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1.25 इंच ही रखना है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर मोड़ लूँगा। तो दोस्तों किसी भाई ने मेरे पास फ़ोटो भेजा था, उसमें उसके नीचे से तिरपाई दिख रही थी कॉलर की। तो दोस्तों वो भी अभी बताऊंगा आपको किस तरह से आपको रखना है। दोस्तों यहाँ से आपको 2.5 इंच रखना होता है, देख लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। अब दोस्तों मैं इसको आपको दिखाऊंगा इसे शुद्ध कैसे करते हैं, यानी कि इसकी तिरपाई नीचे से ना दिखे उस तरह कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों अब आप अच्छे से देखिए और समझ लीजिए। दोस्तों आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये बात समझाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे नोच लगाना है जहाँ पे अपना कोट का बैन आएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो नोच लगाए इनको सीधा कर ले एल स्केल की मदद से, या सीधे स्केल से आप इनको बिल्कुल सीधा कर ले इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सीधा करने के बाद में आपको इसको मोड़ के देख लेना है। अभी दोस्तों जो इसी तरह मैं लगा दूंगा तो इसकी तिरपाई नीचे से दिखाई देगी। तो अब दोस्तों क्या करना होगा, जो बैन अपना ज़्यादा चौड़ा हो रहा है उसे छांट के थोड़ा कम कर देंगे। तो दोस्तों दो सूत का छांटेंगे, मैं अभी देख लीजिएगा इस तरह से इसको दो सूत छांट देना है नीचे से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसको छांटने के बाद एक बार और चेक कर लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जो निशान लगाया है उस पर इसको मोड़ लेंगे, तो देख सकते हो दोस्तों अब दो सूत नीचे दब जाएगा, तिरपाई नीचे से नहीं दिखाई देगी। तो अब दोस्तों ये कॉलर एकदम प्रॉपर सही कट चुका है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कॉलर को किस तरह से कटिंग करते हैं और किस तरह से अपनी तिरपाई नीचे नहीं दिखाई देती। अब दोस्तों इसके ऊपर अपने आडा कपड़े पे आडा ही लट्ठा चिपका लेंगे और इसमें से फ्रंट का कॉलर सामने की साइड में जो दिखेगा उसे बनाएंगे। तो इस तरह से पहले आप लट्ठे को काट लें और इसके बाद में इसको चिपका लेंगे उसके ऊपर। तो दोस्तों इसको मैं आगे स्टिच करना भी बताऊंगा और तिरपाई करना तक आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों इसको अच्छे से फ्यूजिंग कर लेना इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने वीडियो को तेज़ करके जल्दी से फ्यूजिंग कर लिया है।
अब दोस्तों ये अच्छे से चिपक चुका है, अब इसके बाद में इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हो अच्छे से फ्यूज करना है आपको। मैंने दोनों तरफ से प्रेस लगा लिया, अच्छे से इसको फ्यूज कर लिया। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा कॉलर है उसको आप रेव कपड़े पे चिपका सकते हो, अन्यथा किसी और कपड़े पे भी चिपका सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपका कपड़ा निकल जाए उसी हिसाब से आप इस पीस को चिपका लेना अच्छे से। दोस्तों इसको भी फ्यूज कर लेना है, अच्छे से चिपका लेना है। देख सकते हो दोस्तों मैं किस तरह से इसको अच्छे से फ्यूज कर रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस साइड में आप आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से यहाँ पे इस साइड में आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लें इस तरह से। अब दोस्तों इसको अच्छे से फ्यूज कर लेंगे ताकि ये उखड़े नहीं। अच्छे से प्रेस वगैरह लगा लेंगे इसके ऊपर भी, दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको एकदम प्रॉपर सही बिठा लेना है और चिपका लेना है। तो दोस्तों ये अपना तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर रखना है और अब सिलाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह सिलाई करनी है इसके ऊपर, इस तरह से रख के इसकी सिलाई करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह। दोस्तों सबसे पहले आपको इसको नीचे से मोड़ना है, पहले इसका दबाव बराबर कर लें। अब दोस्तों देखिएगा इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस साइड से स्टार्ट कर लें आप यहां से। इस तरह से दोस्तों जैसे कि अपना लट्ठा चिपका हुआ है इस पे चिपका हुआ, उसी ही आकार में इसको मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। दोस्तों आप एक पैर का मार्जिन ले सकते हो यानी कि दो सूत का, और दोस्तों आप कम ज़्यादा भी मार्जिन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अंदर की साइड में ही आएगा, नीचे की साइड में कॉलर की। इस तरह से इसको मोड़ते हुए पूरी सिलाई कर लेनी है आपको। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरह से इस पर मैंने सिलाई कर लिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये अपना नीचे का पीस बन चुका है, अब अपने दूसरे पीस पे इस पर अटैच करेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरह से रख लेना है, और दोस्तों ऊपर इस साइड से आपको सिलाई लगानी है। दोस्तों सुई भर की दूरी बनाते हुए ये सिलाई लगानी है लट्ठे से। तो दोस्तों पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से इस तरह से। तो दोस्तों ऊपर से अब इसको छांट लेना है इस तरह से। दोस्तों इस तरह छांटने के बाद में अपने बैक की साइड में लब मोड़ते हुए बैक के पीस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से आपको बैक के पीस में किनार की सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि इसकी लब अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो दोस्तों ये सिलाई करने के बाद में अपने प्रेस से बिठाएंगे और निशान लगाएंगे इस पर, इस तरह से कॉलर को लगाना है यहाँ पर, इस तरह से बिठाना है। तो चलिए दोस्तों प्रेस पर देखते हैं किस तरह से इसको बिठाएंगे। तो दोस्तों अपने प्रेस पे आ चुके हैं, अब आपको इस तरह से करते हुए बिल्कुल सही करते हुए बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना है। और आप फट्टी का या आप किसी भी स्केल की हेल्प से भी बिठा सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों मैं फट्टी की मदद से इस तरह से अच्छे से बिठा लूँगा इसको प्रेस लगाते हुए, यानी कि ये कॉलर उठे नहीं कहीं से। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको पहले आधा इंच मार्जिन रखते हुए छांट लीजिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए छांट लीजिए, और दोस्तों इस साइड में जितना मार्जिन है उतना ही रख लीजिए। दोस्तों लगभग एक इंच होना चाहिए, बट मेरा यहाँ पे थोड़ा कम है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कम ही रख के चला लेंगे अपने। वैसे दोस्तों एक इंच होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आधा इंच या आधा इंच से अधिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद में आपको पेन की मदद से इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी कि आपको पता चले कि यहाँ पे इसका मार्जिन है। दोस्तों इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई करनी होती है, जिससे कि आपकी तुरपाई बिल्कुल अच्छे से सही होती है और ये बिल्कुल सही कॉलर लगेगा। तो इस तरह से आप अच्छे से करते हुए निशान लगा लें इसका पूरा अच्छे से इस तरह से।
यहाँ पे इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये निशान लग जाने के बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस साइड से भी आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और दोस्तों अब आपको यहाँ से 1.25 इंच, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 1.5 इंच दूरी है, तो यहाँ से आपको 1.25 इंच रखना होगा। तो 1.25 इंच पे निशान लगा लीजिए और इस साइड में भी 1.25 इंच, 1 इंच दो सूत का निशान लगा लें। तो दोस्तों यहाँ पे ये निशान लग जाने के बाद में आपको इस तरह इसको सीधा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस साइड में भी आपको इसी निशान को इस तरह सीधा करना है। तो दोस्तों ये निशान लग चुका है, अगर राउंड थोड़ा ख़राब हुआ है तो आप राउंड सही कर लें। तो दोस्तों ये निशान पूरा लग चुका है, अब इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों सेंटर करने के बाद में आपको सेंटर में नोच लगा लेनी होगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कॉलर का यहाँ पे सेंटर है और यहाँ से जुड़ाई करनी होगी सेंटर की। तो चलिए दोस्तों अब कॉलर को अटैच करेंगे कोट के साथ, तो देखिएगा किस तरह से अटैच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस साइड से थोड़ी दूरी तक पक्का कर लें, इस तरह से आप अच्छे से निशान के बराबर में सिलाई करेंगे और बिल्कुल ठोके के बराबर पक्का करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसको करते हुए यहाँ से आप सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अच्छे से आपको सिलाई करनी होगी इसकी, और बिल्कुल निशान के ऊपर सिलाई करनी है, और इस तरह से आप चेक कर लें कि बिल्कुल सही आपका कॉलर लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको अच्छे से पक्का कर लेना है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए ये दोस्तों बिल्कुल सिलाई सही लगी है, ये अपना नोक भी सही बन रहा है, जो नोच है वो बिल्कुल सही बन रहा है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अब दोस्तों आपको सेंटर की सिलाई करनी होगी, जहाँ पे जो सेंटर में नोच लगी है उसको यहाँ से अटैच करना होगा। बिल्कुल दोस्तों सेंटर अच्छे से मिलाते हुए अब इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों जो निशान लगाया हुआ है अपने पेन से, उसी के ऊपर सिलाई करनी है और नीचे से इतना ही मार्जिन लेते हुए। इसमें दोस्तों नम डालनी पड़ती है आपको, जिससे कि आपका कॉलर कभी खिंचता नहीं है कोट में। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बड़ा हो रहा है अभी, इसमें प्रॉपर नम नहीं बैठेगी, तो ये सिलाई थोड़ी दूर तक खोलनी पड़ेगी अपने। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको आपसे शेयर किया, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको ये सब दिखाया है प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसको मैं एडिट करके कटिंग करके भी दिखा सकता था, बट मैंने जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों इस साइड से आप देखिएगा बिल्कुल बराबर से सिलाई करें, और इस तरह से यहाँ से आप नम डालना शुरू कर दें। तो दोस्तों मैं उसको खोल के लगा के दिखाऊँगा आपको किस तरह से वो लगेगा। इस तरह से आपको नम डालते हुए कॉलर को लगाना होता है, जिससे कि आपको कॉलर में कभी भी अल्टर नहीं आता। अगर दोस्तों आप मेरी बात ये समझ गए तो आपको लाइफ टाइम ही कभी कॉलर में प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसको यहाँ तक पक्का कर लेना, यहाँ तक लगा लेना। अब दोस्तों इसको खोल लेंगे, जैसे कि अपने यहाँ पे अल्टर आ रहा है, इसमें दोस्तों नम अपने नहीं कम डाली है, इसलिए इसमें अल्टर आ रहा है यहाँ पर, तो इसको खोल लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और इसके बाद में इसको वापस लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ सकता है, तो आप दोस्तों ध्यान से काम कीजिएगा तो आप इस तरह से बच सकते हैं। इस तरह से मैंने दोस्तों इसको खोल लिया, अब फिर से मैं इस पर सिलाई करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिलाई रोकी है वहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से मैंने यहाँ पे रोकी है सिलाई को। तो अब दोस्तों यहाँ पे इस पर बिल्कुल सही करते हुए नम डालते हुए सिलाई को पूरा कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से आपको इस सिलाई को पूरा कर लेना है। अब देखिएगा दोस्तों मैं दिखाऊंगा इसको कि सिलाई कैसे लगी है, इसमें कोई रिंगिट वगैरह नहीं डाला, ये देख सकते हो आप, इसमें बस नम है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो किस तरह से अपना अटैच हो चुका है। तो दोस्तों अब देख सकते हो आप, इसके बाद में आपको प्रेस पे काम करना होगा। प्रेस पे दोस्तों आपको पहले ये यहाँ से नपेल तक सिलाई को चीरना होगा, अपने यहाँ पे कच्चा सिलाई लगी हुई, तो इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ इस तरह से। दोस्तों इसको पहले अपने खोल लेना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रेस लगा के सिलाई को इस तरह चीरना है।
तो दोस्तों मैंने सिलाई को खोल लिया, एक साइड की खोल ली, दूसरी साइड की अभी खोल रहा हूँ। जो दोस्तों कच्ची सिलाई अपने पहले की थी उसको ही खोलना है, दूसरी को नहीं खोलना आपको। इस तरह से दोस्तों ये सिलाई खुल चुकी है। अब अपने इसको यहाँ पे इस तरह कटिंग करके बिल्कुल सिलाई के पास तक कट कर लेना है और इसके बाद में इस सिलाई को चीर लेना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस सिलाई को चीरना है और इसी तरह दूसरी साइड की भी सिलाई को चीरना है, यहाँ से इस तरह से। सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने अभी तक कट नहीं लगाया, तो अब इसमें कट लगा लूँगा इस तरह से। तो दोस्तों ये कट करने के बाद में अपने इसको पूरा प्रॉपर चीर लेना है। तो अब ये दोस्तों मैंने सिलाई को चीर लिया, इसके बाद में आपको इसकी लव अंदर की साइड में करते हुए यहाँ पे प्रेस लगा लेना है, जिससे कि आपको कॉलर आसानी से बैठ जाए। तो दोस्तों इस तरह से प्रेस लगाने के बाद में आपको इस साइड से सही करते हुए लव को मोड़ते हुए अंदर की साइड और प्रेस से बिठा लेना है, और इसके बाद में अपने इस पर तिरपाई करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, और कॉलर को तोड़ना भी दिखाएंगे आपको प्रेस से कैसे तोड़ते हैं कॉलर को इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको प्रेस लगा लेना है अस्तर को सही करते हुए। और दोस्तों आप इतना ध्यान भी जरूर रखें कि प्रेस आपका ज़्यादा गर्म ना हो, कि जिससे अस्तर आपका सुकड़ जाएगा, कोई अल्टर आ जाएगा अस्तर में। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे प्रेस मार के भी सेट कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद में अपने तुरपाई वाला एक काम रह गया, और बाद में कॉलर तोड़ के भी आपको दिखाएंगे किस तरह से टूटेगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस करने के बाद में अब अपने सुई में धागा डाल चुके हैं, अब इसकी तुरपाई करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आपको ये जो मार्जिन मुड़ा हुआ है, इसको सिलाई चीरी है, इसको कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इसको कटिंग करने के बाद में सेंटर से आप बिल्कुल सही से सेंटर करते हुए तुरपाई करेंगे इस तरह से दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से। जो दोस्तों सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर ही करेंगे इसको, जो दोस्तों नीचे का मार्जिन है उसके ऊपर, ना कि बैक में आए। तो दोस्तों जल्दी से इस तरह से तुरपाई को कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने जल्दी इसलिए किया इसमें कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों अच्छे से आपको तुरपाई पूरी कर लेनी है कंप्लीट इस तरह से, बिल्कुल सही करते हुए तुरपाई कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आके आपको इस तरह से पूरी अच्छे से तुरपाई कर लेनी है, और इसके बाद में आपको इसको इस तरह से मोड़ लेना है, बिल्कुल दोस्तों जड़ में से मोड़ लेना है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर जड़ से। पहले यहाँ पे इसको पक्का कर लें, इसके बाद में इसको प्रॉपर जड़ में अच्छे से मोड़ लें, और इस तरह से इसको भी तुरपाई से अटैच कर दें। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा होता तो अपना और भी अच्छा लगता देखने में, बट दोस्तों ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये निकलेगा नहीं कपड़ा। तो इस तरह से अच्छे से आप तुरपाई कर दें, देख सकते हो दोस्तों किस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं दूसरी साइड की भी तुरपाई करके दिखाऊंगा आपको, इसके बाद में कॉलर को तोड़ के भी दिखाऊंगा, और इसमें ये भी दिखाऊंगा कि अपना अल्टर है या नहीं है। तो दोस्तों अब ये काम अपना हो चुका है, अब इसको काट लेंगे। यहाँ पे इस साइड की तुरपाई हो चुकी है, दूसरी साइड की अभी करेंगे। तो दोस्तों पहले सुई में अपने धागा है उसमें गांठ लगा लेंगे, और इस साइड से बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे और सेंटर तक करके लेके जानी होगी इसको तुरपाई। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आपको तुरपाई कर लेनी है, देख लीजिए मैं किस तरह से इसको कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जल्दी से तुरपाई को पूरा कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं दोस्तों, जिससे कि आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी हमारे नए वीडियो देखने में, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा हमारे नए वीडियो का, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस करके और ऑल पे करते हो तो। तो दोस्तों इस तरह से आपको तुरपाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है, सेंटर तक कर लेना है और अच्छे से बांध लेना है, गांठ लगा लेनी है। तो इसके बाद में दोस्तों इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और दोस्तों अब इस साइड का मोड़ने वाला रह गया, तो इसको भी मोड़ लेंगे अच्छे से इस तरह से, इसको मोड़ते हुए यहाँ से दोस्तों बिल्कुल जड़ में
तुरपाई करना शुरू कर देना है आपको और प्रॉपर तुरपाई कर लेना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर कोई आपका फ्रेंड कोट की स्टिचिंग करता है या सीख रहा है उसके पास शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके पास भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसको भी इस तरह से प्रॉपर तुरपाई कर लेनी है। तो दोस्तों ये कॉलर अपना लग चुका है, अब आगे मैं इसको तोड़ना भी दिखाऊंगा। तो देख सकते हो दोस्तों कॉलर किस तरह लगा है, देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा कॉलर किस तरह टूटता है और किस तरह दिखाई देगा। तो दोस्तों देख सकते हो आप कॉलर अच्छे से लग चुका है। तो अब दोस्तों प्रेस पे आ चुके हैं अपने। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ से इस तरह से बैक में प्रेस मार लेना होगा अच्छे से, जिससे कि आपका कॉलर साफ़ हो जाए और अच्छे से फिनिशिंग में आ जाए। तो दोस्तों देख सकते हो मैं किस तरह इस पर प्रेस लगा रहा हूँ। इसके बाद में आपको दोस्तों फ्रंट की साइड से आना है और इस तरह से मोड़ लेना है दोस्तों। जैसे कि अपने नपेल को तोड़ा हुआ था, बैठाया हुआ था, उसको दोनों को सीधा करना है और इस पर इसके बाद में प्रेस लगा लेनी है। और दोस्तों आप फट्टी से भी बिठा सकते हो इस तरह से, जैसे अभी कि मैं बिठा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह से बिठाने के बाद में आपका कॉलर पूरा अच्छे से टूट जाएगा। तो दोस्तों अब अपने फ्रंट की साइड में देखेंगे, देख सकते हो दोस्तों अब ये कॉलर अपना लग चुका है। और ये देखिए दोस्तों इस साइड में भी देखिए, और दोस्तों बैक में यहाँ पे देखिए अपना दोस्तों तुरपाई नहीं नीचे से दिखाई देगा, दो सूत का मार्जिन ऊपर रहेगा। तो अब दोस्तों बैक को आप इस तरह से साफ कर सकते हो गोटा गद्दी की हेल्प से, और कॉलर के ऊपर सामने की साइड से इस तरह प्रेस लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमें एक और बात बताएं कि हम अगला वीडियो भी कोट की स्टिचिंग पे लेके आए, नए कोट की स्टिचिंग। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में।